Welcome dear student in RCI Education Hub online classes. Today we study continuing phenol. In previous classes you see the method of preparation of phenol from laboratory methods and also industrial methods. In next day you see also other method that for phenol that will be oxidation of benzene, oxidation of benzene, benzene का oxidation कराएंगे, किसका formation होगा, phenol का formation होगा. You can see chemical reaction that is benzene react with oxygen in the presence of at least that is V2O5 and formation of phenol. फॉर्मेशन ऑफ फिनोल. ओके, फिनोल का जो फॉर्मेशन है बेंजीन से इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यू कैन सी इन दिस रिएक्शन बेंजीन हैव हाइड्रोजन एंड हियर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम सो देयर विल बी कम्स वन ऑक्सीजन फ्रॉम O2 सो इट्स हाफ मोल विल बी यूज. That means O, only one atom is attached with this part and formation of OH group, that is phenol. That is also called modern method. Okay. Phenol बनाने का modern method क्या है? बेंजीन की रिएक्शन कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ एयर कैटलिस्ट दैट इज वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड. वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड कैटलिस्ट का वर्क करते हैं, ऑक्सीडेशन का पार्ट है एंड फॉर्मेशन ऑफ फिनोल. Next, we see the chemical reaction that is very, very important, that is Rasing process. Rasing method है, Rasing नाम के scientist ने दी, Rasing process, it is very important. In this reaction, you also see the chemical reaction of benzene. Rasing process. What will be the process? First of all, you see the process which come in this step by step. First of all, formation of phenol from benzene. So you can see chemical reaction that is benzene. Okay beta, ये क्या है? benzene है, इसका formation करना है आपको formation करना है phenol का. इसका formation करोगे phenol का formation करना है. That means बेंजीन रिंग पर है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लेके आना है? OH ग्रुप आपको लेके आना है. OH ग्रुप व्हाट विल बी यूज फॉर इट, इसके लिए कौन कौन से रिएजेंट्स अपन यूज करेंगे. यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस पार्ट वी स्टडी दैट इज यूज HCl दैट इज एसिड एंड आल्सो ऑक्सीजन. इन प्रीवियस वीडियो यू आल्सो सी द एडिशन ऑफ O2
and formation of phenol, same part also use here. And second is use CuCl2, that is called CuCl2 cupric chloride, that is called CuCl2 cupric chloride, and also use as a catalyst ferric chloride, also use ferric chloride in a aqueous medium, that means use H plus medium H2O, that is reagent part HCl, CuCl2, H plus H2O, very important part in this benzene to formation of phenol. What will be the process? Step to step you can see process. Step first, फिनोल बनाने का जो प्रोसेस है उसमें फर्स्ट स्टेप है वो स्टॉप आप देखिए बेंजीन से रिएक्शन कराएंगे रेजेंट है दैट इज HCl and O2 किसका फॉर्मेशन कराएंगे HCl प्लस O2 से रिएक्शन कराएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेशन ऑफ क्लोरो बेंजीन किसका फॉर्मेशन होगा HCl O2 से रिएक्शन कराएंगे बेंजीन की तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेशन ऑफ Cl बेंजीन से किसका फॉर्मेशन हो गया दैट इज कॉल्ड क्लोरो बेंजीन क्या बनेगा क्लोरो बेंजीन का फॉर्मेशन होगा आपको फॉर्मेशन किसका करना है फिनोल का फॉर्मेशन करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने क्या यूज किया देयर विल बी यूज HCl एंड O2 एंड in the presence of also CuCl2 and FeCl3 catalyst ये catalyst आपको वर्क करते हैं इन दोनों की प्रेजेंस में HCl वाले में से ये वाला जो Cl था ये यहाँ पर रिमूव के साथ ही बेंजीन रिंग पे एडिशन हो गया दैट इज फॉर्मेशन ऑफ Cl तो ये कौन सा पार्ट हो गया स्टेप नंबर टू में क्या होगा फॉर्मेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन से किसका फॉर्मेशन करना है फिनोल का फॉर्मेशन करना है व्हाट विल बी द प्रोसेस रिमेनिंग रिएजेंट आप देखिए इसमें क्या है क्लोरोबेंजीन है क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आप किससे कराएंगे दैट पार्ट यू कैन सी दैट इज H plus H2O दैट मींस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम एक्वस मीडियम फॉर्मेशन ऑफ फिनोल Cl will be removed and addition of OH and formation of your product that is phenol. Okay. Two step process. Complete process is called Rosin process. Chemical reaction आपने देखा इसमें benzene से किसका formation करना है phenol का formation करना है और second वाले part में अगर अपन देखें तो step first में बेंजीन से फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन करता है HCl एंड O2 रिएक्शन करता है और फॉर्मेशन किसका हो रहा है यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा है आफ्टर दिस यू कैन सी इन स्टेप नंबर टू देयर विल बी फ्रॉम क्लोरोबेंजीन एंड क्लोरोबेंजीन इन एक्वस मीडियम रिएक्शन करता है H2O मीडियम में रिएक्शन करता है किसका फॉर्मेशन हो रहा है फिनोल का फॉर्मेशन हो रहा है ये प्रोसेस कौन सा कहलाता है बेटा ये प्रोसेस है ये रासिंग प्रोसेस कहलाता है और वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नेम रिएक्शन है और नेम रिएक्शंस ऑलवेज इंपॉर्टेंट होती हैं सो आप थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए व्हाट विल बी द प्रोसेस व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन व्हाट इज मैकेनिज्म दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन नेक्स्ट वी सी द अदर केमिकल रिएक्शन दैट इज ऑल्सो ए नेम रिएक्शन दैट इज कॉल्ड डावे प्रोसेस सो टूडे ए इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज ए study that is very important reaction for this type how will be come question in exam exam mein question kis type se aayega iske upar agar study kare to mostly you can see aapko is type se benzene ring di jayegi aur is wale arrow ke upar aapko study kiya jayega yahan par likha hoga HCl/O2 and also given CuCl2 in the aqueous medium That will be H+ and H2O and यहाँ पर formation करेगा What will be the product या major product क्या होगा Major product आपको यहाँ पर show करना है
आपको जैसे ही आपको दिखाई दे, यू कैन सी ऑन एरो दैट इज HCl O2 एंड CaCl2, दैट विल बी फॉर्मेशन ऑफ ए फिनोल। तो आपका आंसर क्या होगा इस वाले प्रोसेस में, फिनोल का फॉर्मेशन का मेथड है। दूसरा टाइप का पूछ लेता है, आपको केमिकल रिएक्शंस गिवन होगी, व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, तो नेम आपको बताना होगा, दैट इज कॉल्ड से रासिंग प्रोसेस। क्या कहलाएगा, रासिंग प्रोसेस कहलाएगा। यू कैन सी बोथ टाइप क्वेश्चंस, किस टाइप से क्वेश्चन पुट अप किया जाता है, दोनों टाइप से आपका प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। थर्ड टाइप से क्वेश्चन इस टाइप से भी आता है, यू कैन सी हाउ विल बी यू फॉर्म ए फिनोल फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन से आप फिनोल का फॉर्मेशन कैसे करोगे, तो उसका भी प्रोसेस क्या है, बेंजीन से फिनोल का फॉर्मेशन करने का। ये आपको टोटल मेथड जो मैंने आपको बताए हैं, ये सारे रिएक्टेंट को यूज करते हैं, ये सारे रेजेंट क्या करने हैं, आपको सभी रेजेंट को इसमें यूज करना है, वो किसका फॉर्मेशन करना है, ये वाला फॉर्मेशन करना है, कौन सा कहलाएगा, रासिंग प्रोसेस कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो वी सी अबाउट नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनोल्स। सो ओके, टुडे यू कैन सी टू मेथड्स एंड नेक्स्ट वी आल्सो रिमेनिंग पार्ट्स सॉल्व इट।